सही है। कहता है सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अब हम लोगों के पास एक मेटालिक सरफेस है, वो उस पर हम रेडिएशन डाल रहे हैं यार। अब अगर हमने रेडिएशन डाला, ये मेटालिक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने लैम्डा नाम का रेडिएशन डाल दिया। चलो डाल देते हैं इल्यूमिनेटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 3V0। अब जैसे रेडिएशन डालोगे तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो वो इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0 है, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, जब लैम्डा डाले हो। अब कहता है सेम सरफेस, सरफेस वही है, मेटल सेम है, वर्क फंक्शन सेम होगा। अगर हमने 2 लैम्डा डाल दिया, तो यहाँ पर अगर हमने 2 लैम्डा डाल दिया तो कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हो गया, सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हो गया। तो कहता है कि थ्रेश होल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, इस सरफेस का थ्रेश होल्ड वेवलेंथ लैम्डा निकालो, ठीक है। तो लैम्डा की थ्रे लैम्डा हमें निकालना है, 2 केस है, पहला केस को सॉल्व करेंगे, दूसरे केस को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइंस्टाइन का इक्वेशन लगाएंगे। मैं आपको बताया था इस चैप्टर के 95% न्यूमेरिकल आइंस्टाइन का इक्वेशन सॉल्व कर देता है, 5% जो बनता है वो डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन, ये सब मिलके सॉल्व करते हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करोगे तो आइंस्टाइन का इक्वेशन 2 बार लगा देते हैं हम लोग। पहले बार आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या कहता है, एनर्जी इंसिडेंट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है आइडियल केस में। तो एनर्जी इंसिडेंट एच सी अपन लैम्डा, वर्क फंक्शन थ्रेश होल्ड एच सी अपन लैम्डा नॉट जो कि हमें चाहिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसको रोक, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv है। अगर इसको पूरा स्टॉप करना है तो हमें जो पोटेंशियल दिया जाता है वही तो कट ऑफ पोटेंशियल है VC। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ये V0 आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से, या आप डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एच सी अपन लैम्डा माइनस एच सी अपन लैम्डा नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस में ये 3 टाइम्स था, ये 3 टाइम्स था, 3V0 था। अब सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हुआ और एच सी लैम्डा हमने बढ़ा दिया, 2 लैम्डा हो भी जाना चाहिए, और माइनस एच सी अपन लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे लैम्डा नॉट मिल जाएगा। एक काम करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करको, इक्वेट कर दो, तो यहाँ से एच सी अपन 2 लैम्डा माइनस एच सी अपन लैम्डा नॉट की वैल्यू आ रहा है ना, समझ में, सॉल्व कर लो खुद। तो ये एच सी अपन 3 लैम्डा और माइनस एच सी अपन 3 लैम्डा नॉट, ये तो यहाँ से एच सी ने एच सी को ख़त्म कर दिया, तो हमें चाहिए लैम्डा नॉट, तो 2 लैम्डा को इधर रहने देते हैं और -1/3 लैम्डा को उधर से लेके आते हैं, और 1/लैम्डा नॉट और -1/3 लैम्डा नॉट, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखोगे तो यह आ जाएगा 1/6 लैम्डा इधर से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2λ/3λ0। तो 3 ने 2 टाइम्स काट दिया तो लैम्डा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 टाइम्स λ, मतलब डी ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था।